गुड इवनिंग दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लाइमेटिकल एडाप्टेबिलिटी ऑफ सोर्स, फलों की जलवायु अपनाने की क्षमता। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फल उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक हैं और ये कारक को ध्यान में रखते हुए अगर आप फल उत्पादन करते हैं, निश्चित रूप से आप सफल होंगे और आप अच्छा फल उत्पादन से लाभ कमा सकेंगे। यदि आप इन सब बातों का, उनके उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों का ध्यान नहीं रखते, तो आप निश्चित रूप से फल उत्पादन से अच्छी इनकम नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए मैं आपको इस उद्देश्य से ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्लाइमेटिकल एडाप्टेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स किस क्लाइमेट में कौन सा फ्रूट्स ग्रो किया जाता है, या कौन सा क्लाइमेट फ्रूट्स किस फल के लिए सुटेबल है ग्रो करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट द फ्रूट्स आर डिवाइड इनटू थ्री ग्रुप्स एंड देयर इज द क्लाइमेट व्हिच आर फाउंड इन द वर्ल्ड आर इन इंडिया इज आर ऑफ थ्री टाइप, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड टेम्परेट क्लाइमेट। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट द फ्रूट्स विच आर ग्रोन इन दैट क्लाइमेट देयर नेम्स आर गिवन एज फॉलोज। ट्रॉपिकल फ्रूट्स, जो फल ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो किए जाते हैं उन्हें हम ट्रॉपिकल फ्रूट्स कहते हैं, जो फल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो किए जाते हैं उन्हें हम सब ट्रॉपिकल कहते हैं, और जो टेम्परेट क्लाइमेट में विशेष रूप से ग्रो किए जाते हैं उन्हें हम टेम्परेट फ्रूट कहते हैं। इसको हिंदी में उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण फल की संज्ञा दी जाती है, या इनके अनुसार क्षेत्र के उष्ण प्रदेश और उपोष्ण क्षेत्र प्रदेश या शीतोष्ण प्रदेश। तो जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं यहाँ पे क्या है, रीजन्स, ऐसे क्षेत्र, रीजन हैविंग नो डिस्टिंक्ट विंटर एंड समर विद हाई रेनफॉल, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ना गर्मी तथा जाड़े का कोई मापदंड निश्चित नहीं होता है, जाड़ा और गर्मी बराबर पड़ती, मीन्स देयर इज नो डिफरेंस, विशेष करके कोई अंतर नहीं होता ऑल थ्रू आउट द ईयर, और वहाँ पे रेनफॉल जो है ज़्यादा होती है, वर्षा ज़्यादा होती है, मीन्स देयर इज लिटिल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन थ्रू डिफरेंस थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष एक साथ तापमान रहता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो फल विशेष करके उगाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, मैंगो, बनाना, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, सपोटा, कस्टर्ड एप्पल, जैक फ्रूट, कैरम्बोला, पर्सिमोन, कोकोनट, किस्यू, काजू, ब्रेड फ्रूट। तो जब हम फलों को उनके जैसा कि आप लोग जानते हैं, जलवायु को चेंज करना मनुष्य मात्र के परे है, मनुष्य वी कैन नॉट चेंज द क्लाइमेट बट वी कैन चेंज द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। तो सॉइल का उतना अंतर प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि क्लाइमेट का फल उत्पादन पर पड़ता है, इसलिए क्लाइमेट, जो जिस क्लाइमेट का फल हो उसमें ग्रो किया जाए तो निश्चित रूप से हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स क्या हैं, मैंडारिन, स्वीट ऑरेंज, बेर, फिग, लीची, फालसा, जामुन, करौंदा, ग्रेप, आंवला, बेल, डेट पाम, खजूर, पोमग्रेनेट, आंवला, एवोकाडो, लोकाट, दीज आर द सब ट्रॉपिकल फ्रूट। सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स में जो क्लाइमेट है वो किस तरह की रहती है, इन डिस्टिंक्ट विंटर एंड समर, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी होता है समर तथा विंटर में बिल्कुल डिफरेंस जो है वो क्लियर कट दिखता है। ड्यूरिंग विंटर टेम्परेचर में टच 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे जाड़े में जो है सब ट्रॉपिकल एरियाज में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुँच जाता है, तथा वाइल इन समर द टेम्परेचर में टच 45 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि समर में गर्मी में तापक्रम 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता। टेम्परेट फ्रूट्स, एप्पल, पियर, दिस इज द आइडियल टेम्परेट फ्रूट, एप्पल, पियर, प्लम, पीच, एप्रिकोट, एलमोंड, चेरी, स्ट्रॉबेरी, पिकानेट एंड वॉलनट, दीज आर द टेम्परेट फ्रूट, शीतोष्ण फल जिन्हें हम कहते हैं। फ्रूट्स टी विद चिलिंग रिक्वायरमेंट, यहाँ पे जो फल किए जाते हैं उनके एक निम्न तापक्रम की आवश्यकता होती है, इस निम्न तापक्रम में वो अपनी पत्तियाँ पूरी ड्राफ्ट करके गिरा करके और सुसुप्त अवस्था में चली जाती हैं,
तो इस 2-3 माह तक लीफलेस कंडीशन में रहते हैं फल वाले पौधे, तो इन्हें हम शीतोष्ण फल कहते हैं। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, दीज आर द टेम्परेट जोन्स या टेम्परेट रीजन। तो अगर हम, हालांकि ये जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं ये सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रो किए जाते हैं, चूँकि ये इसकी क्लाइमेट टेम्परेचर तो इसमें सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी काफ़ी गर्म प्रदेश गर्म रहता है, लेकिन यहाँ पे ये पाले से प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए ट्रॉपिकल फ्रूट्स या विशेष करके जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं उनमें ज़्यादा उत्पादन देते हैं। हालांकि सब ट्रॉपिकल में भी ग्रो किए जाते हैं, बट दे सफर फ्रॉम द फ्रॉस्ट, तो वी हैव टू केयर द फ्रूट्स विद फ्रॉस्ट, ये इसमें दिक्कत होती है। लेकिन अगर हम जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं उनको ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो करते हैं, सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, टेम्परेट फ्रूट जो है टेम्परेट क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, तो हमको निश्चित रूप से उत्पादन ज़्यादा प्राप्त होगा। तो इन ये जो चैप्टर है ये मैंने इस उद्देश्य से पढ़ा है कि आपको जानना चाहिए कि विच फ्रूट्स बिलोंग टू विच टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि और ये नेट और ARS में भी पूछा जाता है। इसके अलावा आपको जानना चाहिए क्योंकि क्लाइमेट का ध्यान, क्लाइमेट का फलोत्पादन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। वी कैन नॉट चेंज द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन, वी चेंज द क्वालिटी ऑफ द सॉयल बाई सम एमेंडमेंट्स, कुछ सुधारों के द्वारा हम सॉयल को तो चेंज कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं जिप्सम को मिलाया जाता है एल्कलाइन सॉयल में तथा चूने को लाइम मिलाया जाता है एसिडिक सॉइल में, तो इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट को चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए क्लाइमेट का ध्यान रख के ही हमें फलोत्पादन करना चाहिए। यदि हम किसी स्थान की जलवायु को ध्यान में रख करके फलोत्पादन करेंगे, निश्चित रूप से गिल्ट सक्सेस इन ऑर्चार्डिंग। थैंक यू वेरी मच। आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।